आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल को हम बता चुके हैं, अब बचे हुए इन दोनों बलों के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जैसा कि इसके नाम पे लगा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रकृति में जितने भी बल पाए जाते हैं, यानी हमारे जो फंडामेंटल फोर्स हैं, वो चार तरह के हैं, और उन चारों में ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये फोर्स कौन सा है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा एटम की स्ट्रक्चर को। तो पहले बात करते हैं, चलिए आइए एटम की स्ट्रक्चर की। कोई भी परमाणु जिसका साइज जो होता है वो 10^-10 मीटर के ऑर्डर का, और परमाणु के अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके साइज की अगर बात की जाए तो 10^-15 मीटर के ऑर्डर का। परमाणु के अंदर ये जो स्फीयर है, इसको आप कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जीरो चार्ज न्यूट्रॉन पर होता है। जब बात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की फोर्स की आती है, इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमने ये पढ़ा है कि दो चार्जों के बीच में, मान लीजिए एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, और उनके बीच की दूरी आ रहा है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है F=K Q1 Q2/R2, जहां ये जो फोर्स होता है ये इन चार्जों पे डिपेंड करेगा। अगर ये लाइट चार्ज है प्लस प्लस, तो ये फोर्स जो होगा वो रिपल्सन का होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भाई नाभिक के अंदर एक छोटी सी जगह, कितनी छोटी, 10^-15 मीटर, और उसके अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन प्रोटॉन पर तो चार्ज है। ऐसा नहीं होता है कि नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन हो, ये तो अलग अलग परमाणुओं पर डिपेंड करेगा, अलग अलग तरह के जो नाभिक होंगे उस पर निर्भर करेगा कि किसी भी नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। अब यहां आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक छोटी सी जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन भी बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं। अगर आप इस चीज को विद्युत चुंबकीय बल से देखें, तो अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से छोटी सी डिस्टेंस पर रखें, तो उनके बीच में एक विद्युत चुंबकीय बल काम करेगा, और डेफिनेटली चूंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का ई, तो दूसरे प्रोटॉन पर भी प्लस का ई। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करके दूर भगा देंगे। लेकिन नाभिक स्थायी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या विद्युत चुंबकीय जो बल है, वो काम कर रहा है, और वो प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर भगाने का काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, तो फिर क्या हो सकता है वहां पे? ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी छोटी सी जगह में, इतनी छोटी सी जगह 10^-15 मीटर, इतनी छोटी सी जगह में प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में बंधे हुए हैं? तो डेफिनेटली यहां पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा भी एक फोर्स है जो इन प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में बांधे हुए है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और डेफिनेटली ये तभी बांध पाएगा इनको आपस में जब इसकी वैल्यू इस विद्युत चुंबकीय बल से ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बांधे रखने के लिए, अब उसमें इनको मिलाकर के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। लेकिन इसमें भी अब तीन तरह की बात की जाएगी कि भाई जो बल लग रहा है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है। इसका मतलब चार्ज से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि चलिए मान लीजिए आप प्रोटॉन प्रोटॉन पे तो भाई चार्ज है, लेकिन यहां तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी आ रहा है,
लेकिन न्यूट्रॉन तो चार्ज वाला पार्टिकल होता नहीं है, उस पर तो कोई आवेश भी नहीं है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका आवेश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो नाभिक के अंदर जो एलिमेंट्री कण है, नाभिक के अंदर जो मूल कण आपके उपस्थित है उनको आपस में बांधे हुए है, उन कणों को आपस में जो बांधने वाला फोर्स है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो ये तीनों के बीच में, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, वो जो बल होता है वो एक जैसा होता है, यानी परिमाण में बराबर होता है। तो कुल मिला के आप एक ये चीज समझे कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नाभिक के कणों को बांधे हुए रखता है, नाभिक के कणों के जो आपस में बीच में म्यूचुअल इंट्रैक्शन जो उनमें हो रहा है उसके बीच में काम करता है। अब यहां इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए। अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल में अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो सबसे पहले, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो मेन पॉइंट एक तो आपका यही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंटों में माना जाता है कि भाई चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा हो, बल एक जैसा होगा। दूसरे पॉइंट की बात अगर आप करें तो आप ये कह सकते हैं ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई जिस लाइन पर ये उपस्थित थे उस फोर्स की डायरेक्शन उस लाइन पर ही होगी, चाहे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, यानी ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और ये आप क्लियर पहले से ही कर चुके हैं कि जो फोर्स सेंट्रल होगा वो कंजर्वेटिव होता है, नेचर में संरक्षी होता है। लेकिन यहां पर जब ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय बल नहीं है, तो फिर ये संरक्षी बल भी नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो फॉर्मूला इनके लिए होता है वो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें डिस्टेंस की 6 पावर 7 पावर या इस तरह से डिपेंड करता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर को फॉलो नहीं करता, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, अर्थात ये विक्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि वैसे इसके हिसाब से देखा जाए तो एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी और एक ये जो पॉइंट है ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, प्रबल नाभिकीय बल है, वो तो केवल किसके बीच में काम कर रहा है, नाभिक के बीच में, केवल 10^-15 मीटर की जो डिस्टेंस में रखे हुए हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो नाभिकीय कण आपके रखे हुए जिनको आप न्यूक्लियॉन्स कहते हो, उनके बीच में केवल इतनी दूरी पर काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम एक प्रोटॉन को यहां रख दें और फिर एक बहुत बड़ी दूरी पर रखें और तब कहेंगे कि बीच में प्रबल नाभिकीय बल काम करेगा, नहीं, यानी इसकी जो परास है, इसकी जो रेंज है वो 10^-15 मीटर तक की रेंज में ये काम करेगा। इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसकी दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए दुर्बल नाभिकीय बल, नाम में दुर्बल लग रहा है, इसका मतलब कमजोर तो है, लेकिन इसको जब आप चारों बलों को एक साथ देखो तो इसे सबसे कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि वो हम शुरू में बता चुके हैं आपको, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे कमजोर बल होता है। इसका मतलब भले इसके नाम के सामने वीक लगा हुआ है, लेकिन इस वीक के नाम से ऐसे मत समझ लेना कि ये सबसे कमजोर। वीक केवल इसलिए लिखा है क्योंकि नाभिकीय बल दो तरह के आ गए, एक स्ट्रॉन्ग, तो दूसरे को नाम दे दिया आपने वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम है। इसको समझना थोड़ा सा स्टूडेंटों के लिए मुश्किल होता है, और इस टॉपिक को वास्तव में समझने से पहले हमें थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, नाभिकीय विखंडन को समझना पड़ेगा। नाभिकीय विखंडन की जब बात की जाए तो थोड़ा सा अलग से हम समझ लेते हैं।
देखिए रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कोई एक नाभिक ब्रेक होकर के दूसरा नाभिक बनाता है। मान लीजिए ये कोई एक न्यूक्लियाई है और ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद ये दूसरा न्यूक्लियाई बना। लेकिन जब भी कोई नाभिक ब्रेक होकर के दूसरा नाभिक बनाता है, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 92 यूरेनियम 235 और इससे ब्रेक होकर के मान लीजिए Ba141 ये नाभिक आपका बन गया। लेकिन अब इसमें कुछ पार्टिकल या रेज निकलती है और वो जो पार्टिकल और रेज निकलती है वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज होती है। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और न केवल 11th क्लास के लिए बल्कि 12th क्लास में तो इसकी जरूरत बार बार पड़ती रहती है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल को हमें अलग से समझना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल चीज क्या है। तो अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं हीलियम एटम के न्यूक्लियस को, और हीलियम एटम होता है ट्वाइस Hg4। तो ट्वाइस Hg4 का जो नाभिक होगा वो आपका है अल्फा कण। हीलियम एटम का जो नाभिक होगा, नाभिक का मतलब भाई आप अभी अभी स्ट्रक्चर में समझते अच्छी तरह से कि ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसको नाभिक कहते हैं, बाहर वाली जो पोर्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके अंदर दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिटो में आपके होंगे। मान लीजिए पहली ऑर्बिट है दो हो एक हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन आप अलग की बात है, वो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो नाभिक है आपका, इस नाभिक की अगर हम बात करें तो इस नाभिक को आप कहते हो अल्फा पार्टिकल। तो जब भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जब भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें जरूरत पड़ जाएगी कि अल्फा पार्टिकल को, तो उसकी जगह पर हम यूज किया करेंगे ट्वाइस Hg4। अगर अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा और यहां डिटेल में समझें तो अगर इसके मास की बात की जाएगी तो दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉनों का मिलकर के जो मास होगा वो अल्फा पार्टिकल का मास है। हालांकि प्रोटोन न्यूट्रॉनों का मास लगभग सेम होता है, तो आप अल्फा पार्टिकल के मास को यानी एम अल्फा को आप 4 मास ऑफ प्रोटोन भी लिख देते हैं या फिर 4 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख देते हैं, 4 1H1, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। तो हाइड्रोजन एटम का 4 टाइप्स ऐसे भी आप कह सकते हो। अब बात आई इस पर चार्ज की, तो न्यूट्रॉनों में तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन प्लस E, तो इस पर चार्ज जो हो गया Q वो हो गया प्लस का ट्वाइस E। तो इस तरह से आप अल्फा पार्टिकल को यहां पर समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बात हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम बात करते हैं बीटा और गामा पार्टिकल। देखिए बीटा पार्टिकल कोई नया पार्टिकल नहीं है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट आप लोग ये समझ लीजिए, आपने जैसे पढ़ लिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपको जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप समझते चले जाएंगे, 200 के आसपास उससे भी ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल हुआ करते हैं। तो अब हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल कोई नया पार्टिकल नहीं है। बीटा पार्टिकल एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अगर कभी किसी नाभिक से निकल करके बीटा पार्टिकल आए या नाभिक से निकल करके इलेक्ट्रॉन आए तो उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीटा पार्टिकल। ये समझने वाली बात है यहां पे। नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल यूज करते हैं, एक बार हम सिंबलों की बात करें, देखिए प्रोटोन के लिए जो सिंबल यूज होता है, प्रोटोन के लिए सिंबल 1P1 या फिर 1H1 आप यूज कर सकती हो। न्यूट्रॉन के लिए जो सिंबल आप यूज करते हैं 0N1। इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिंबल आप यूज करते हो वो माइनस का 1E0, ये इलेक्ट्रॉन। और या फिर आप इसको आज अगर इसके हिसाब से देखें तो माइनस के 1β0। ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गया पॉजिट्रॉन, ये आपका पहले चैप्टर में भी 12th क्लास में आता है। तो पॉजिट्रॉन की अगर आप बात करें तो पॉजिट्रॉन का प्लस 1E0 या फिर आप इसको कह सकते हो प्लस 1β0। तो यहां पर मेन जो बात है आपको इन दो चीजों को समझने की है। गामा रेज होता है, गामा रेडिएशन होता है, वो एक एनर्जी होती है। हालांकि हम रेडियो एक्टिविटी की बात सिर्फ आपको इस दुर्बल नाभिकीय बल को समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप उसको डिटेल में आगे चल के 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जब तक हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे तो दुर्बल नाभिकीय बल को समझना आसान काम नहीं है। इसलिए दुर्बल नाभिकीय बल को समझने के लिए इन सारी चीजों की जानकारी हमको होनी चाहिए। एक एटम
एटम की, एक नाभिक की स्ट्रक्चर की जानकारी हमको होनी चाहिए। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिटों में चक्कर लगाती रहती है, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, तभी आप उन चीजों को समझ सकती हो। तो जब प्रबल नाभिक के बल की बात आई थी, वो तो आपने बता दिया भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं टाइटली, तो कौन बांधे हुए है? इसका मतलब डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांधे हुए, वही है प्रबल नाभिक के बल। लेकिन अब बात आ रही है दुर्बल नाभिक के बल की। तो दुर्बल नाभिक के बल में आप कह रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन में एक न्यूक्लियाई टूट करके दूसरा न्यूक्लियाई बनता है और उस दूसरे न्यूक्लियाई के साथ साथ कुछ पार्टिकल निकलते हैं। एक साथ हो सकता है ना निकलते हो, वो अलग की बात है, लेकिन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। तो यहां ये जो बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो उसको बोला जाता है, एक्चुअल में जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो अल्फा डिके, अल्फा छे, बीटा डिके, गामा डिके, तो तीन तरह के डिके को आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस चीज को समझने के लिए हम बीटा डिके की बात कर रहे हैं। और बीटा डिके जो होता है, डिके का मतलब छे, यानी बीटा पार्टिकल का नाभिक से बाहर निकलना, इट इज कॉल्ड बीटा डिके। लेकिन बीटा डिके दो तरीके का होता है, एक बीटा पॉजिटिव और एक बीटा नेगेटिव। अब ये क्या चक्कर है भाई? ये चक्कर कुछ नहीं है, बीटा पॉजिटिव का मतलब है जब पॉजिट्रॉन निकल करके आ रहा है, यानी प्लस वन बीटा जीरो अगर नाभिक से बाहर निकल करके आ रहा है तो उसको कहते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, यानी माइनस वन बीटा जीरो अगर निकल करके आ रहा है तो उसको कहते हैं बीटा नेगेटिव डिके। तो ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो आप सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द बीटा डिके प्रोसेस। अब बीटा डिके प्रोसेस में क्या होता है, अब उस चीज को आप समझिए। तो ये चीजें हमारे माइंड में रहेंगी, इन चीजों को हम याद रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब बीटा डिके होगा तो ये दोनों पार्टिकल निकलेंगे, लेकिन ये पार्टिकल कभी भी अकेले नहीं निकलते। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का तो माइनस वन बीटा जीरो निकलेगा, तो इसके साथ में एक पार्टिकल और निकलता है जिसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, हिंदी में भी एंटी न्यूट्रिनो लिखेंगे इसको। अब बात आएगी इसके साथ, तो इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ये ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो और इसके साथ में न्यूट्रिनो, ये कभी भी अलग नहीं होते। जब भी ये पार्टिकल निकल करके आएंगे किसी नाभिक से तो बीटा, इसके प्लस बीटा के साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा और इसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, यानी ये अलग अलग नहीं होते, ये आपस में बंधे रहते हैं। यहां आपका एक क्वेश्चन हो सकता है मुझसे, आप यहां मुझसे ये कह सकते हो कि सर ये बताइए, आप इसको नाम दे रहे हो इलेक्ट्रॉन और आप कह रहे हैं कि ये नाभिक के अंदर से निकल करके आ रहा है, जबकि स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आप कहते हैं कि नाभिक के अंदर तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर होते हैं एटम। फिर ये बीटा डिके प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? तो ये चीज आपको थोड़ी समझनी होगी। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जब रेडियो एक्टिविटी होती है, जब आप नाभिकीय विखंडन होता है तो विखंडन के समय नाभिक के अंदर उपस्थित कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉनों में और कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में बदल जाते हैं। अगर आप एक प्रोटॉन को शो करें, मान लो 1p1 से हम प्रोटॉन को शो कर रहे हैं और वो न्यूट्रॉन में बदल रहा है 0n1। अब आप इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करने की बात करोगे तो इधर 1 है, इधर 0 है, ऊपर 1 1, ठीक है भाई, नीचे इधर क्या आना चाहिए, तो प्लस 1 बीटा 0। रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी, 1 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, ऊपर 1 0 1 हो गया। लेकिन ये कभी भी अकेला नहीं आता, बल्कि इसके साथ हमेशा क्या लगा रहता है, न्यूट्रिनो, यानी ये आपस में बंधे हुए हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इसको पूरी तरह से आपको समझाने की बात करूं, तो आप ऐसे समझिए कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन आपका कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो उसके साथ में एक पार्टिकल और निकलेगा, उसको आप कहोगे प्लस 1 बीटा 0 यानी पॉजिट्रॉन, और उसके साथ हमेशा निकलेगा न्यूट्रिनो, यानी ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, ये आपस में बंधे हुए हैं। ऐसे ही अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो अब बैलेंस करने के लिए देखोगे तो इधर 1
एक्स्ट्रा है तो माइनस वन बीटा जीरो, और इसके साथ जब भी निकलेगा एंटी न्यूटन हुई, इसका मतलब ये भी आपस में बंधे हुए हैं। ये आपस में जिस फोर्स से बंधे हुए हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर आप शॉर्ट में दो लाइन में समझना चाहते हो बस इस चीज को, तो वो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द बीटा डिके प्रोसेस, बीटा डिके प्रोसेस में जो पॉजिट्रॉन के साथ पार्टिकल निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो पार्टिकल निकलता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल आपस में एक फोर्स से बंधे होते हैं। इस फोर्स को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। क्लियर? यानी दोनों चीजों को समझने की कोशिश कर लिया। प्रबल नाभिकीय बल क्या था हमारा? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जो बांधने वाला फोर्स है वो प्रबल नाभिकीय बल है। और दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? जब बीटा डिके प्रोसेस हो रहा है, यानी किसी नाभिक से बीटा पार्टिकल निकल के आ रहा है। बीटा पार्टिकल मींस बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, और बीटा नेगेटिव कोई नई चीज नहीं है, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल आपको कभी ऐसी बात आ जाए कि बीटा नेगेटिव क्या है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? नाभिक से बाहर निकल के आने वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये कभी अकेले नहीं होती, इसके साथ हमेशा न्यूट्रिनो जुड़ा होगा और इसके साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो जुड़ा होगा। ये आपस में बंधे होंगे, तो जिस बल से ये आपस में बंधे हुए हैं, इट इज कॉल्ड दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, और कुल मिलाकर के जो फंडामेंटल फोर्सेस थे नेचर की, वो चारों फोर्स हमने अब क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं इनके आपस के कंपैरिजन की। देखिए, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी लिख रहे हैं, आप वीक न्यूक्लियर फोर्स को एफ वीक न्यूक्लियर फोर्स मान लीजिए, इस तरह से आप डिनोट कर रहे हो। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई लिख रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस तरह से लिख रहे हो। अब इसमें क्या होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, अक्सर इस पर क्वेश्चन बना देते हैं। तो मान लीजिए आप इसको बल मान करके चल रहे हैं, तो ये अगर बल है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स फिर उसमें होता है 10 की पावर 25। तो आप देख रहे हैं, भले इसका नाम वीक है लेकिन ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर 25, 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। इसकी बात करें यानी रेशो के रूप में अगर आप इसको देख रहे हैं, तो इसकी बात करें तो 10 की पावर 36 और इसकी 10 की पावर 38। हालांकि बुकों में किसी में 39 दे देता है, यहाँ 26 दे देता है, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, कोई पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं है, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है आप किस प्रकार के पार्टिकलों के बीच में निकाल रहे हैं। तो जब पार्टिकल आपके अलग अलग हो जाते हैं तो उस हिसाब से फोर्स की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन एक इस ऑर्डर में आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो इस ग्रेविटेशन को वन मान करके उसके रेस्पेक्ट में ये हमने बात की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई इसी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्वेश्चन बनाए। मान लो उसने न्यूक्लियर फोर्स को वन मान लिया। अब जब आप न्यूक्लियर फोर्स को वन मान लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दिख रहा है वो तो भाई इससे 100 times वीक है, या फिर कहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इससे 100 times, क्योंकि यहां 36 और यहां 38, तो आप इसको लिखोगे 10 की पावर -2। अब आप इस पे आएंगे, ये दिख रहा है आपको, तो इसको लिखोगे 10 की पावर -13। इसमें से माइनस करके निकाल दो बस, 38 में से 25 तो कितने बचे, 13 बचे। और इसकी आप बात करोगे तो ये 10 की पावर -38। तो कुल मिलाकर के आप न्यूमेरिकल कभी छोटा, इसमें बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कभी बनाकर पूछ भी लिया जाए तो आप ये जरूर देख लेना कि इनमें से किस फोर्स को वन माना जा रहा है और फिर किस तरह की बात की जा रही है। तो ये इस तरह से हमारे चारों टॉपिक कंप्लीट होते हैं।